जब आपकी एम्पावरमेंट होती है, जब आपके पास कोई चीज़ ऐसी होती है विच मेक्स यू बेटर और स्ट्रॉन्गर देन द अदर पर्सन, सो पहले आपका अपने लाइफ पे कंट्रोल आता है, फिर आपका अपनी एनवायरनमेंट पे आता है, फिर आपका दूसरे लोगों पे कंट्रोल आता है. कंट्रोल इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. मैं कंट्रोल वो पावर इम्पोज करने वाला नहीं कह रही डिक्टेटोरियल, के एक पॉजिटिव तरीके से. इट्स योर चॉइस कि आप किस तरह उसको यूटिलाइज करेंगे. ठीक, हम टीचर्स हैं, हमें तो पता है कि पावर को किस तरह यूटिलाइज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है. ऐसा है ना. एंड देन इट अकर्स इन रिलेशन टू अदर्स. दिस इज़ वेयर मैं इसको सोशल प्रोसेस से लिंक करती हूँ. आइसोलेशन में आप एम्पावर नहीं हो सकते. आप पढ़ते जाएं, मास्टर्स लें, बैचलर्स लें, डिग्रीज लें, डॉक्टरेट लें, डबल डॉक्टरेट लें, दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट. आप बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है इस चीज़ में. कोई आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है अनटिल दैट इज़ शेयर्ड विद अदर पीपल, अनटिल अदर पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. खुद से कुछ नहीं है इंसान. और फिर उसमें यह है कि अथॉरिटी तो आपकी डिवेलप हो जाती है व्हेन यू गेट एम्पावर्ड. किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं, प्रेसिडेंट्स भी बन जाते हैं, बट उस नॉलेज को आपने यूटिलाइज किस तरह की है, उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को आपने यूटिलाइज किस तरह की है, बॉटम लाइन ये है. और फिर अगेन आई से एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, हमें पता है हमारा पावर कितना ज़्यादा होता है वंस वी आर देयर इन द क्लासरूम. लाइक इवन अभी आई एम हियर, आई नो व्हाट स्ट्रेंथ्स आई हैव, आई नो हाउ आई कैन एम्पावर और डिस एम्पावर पीपल हु आर सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू मी और टॉकिंग टू मी, बट हाउ डू आई चूज टू यूटिलाइज दैट पावर. कि मैं किसी एरोगेंट एटीट्यूड से यूज़ करूँगी उसको, या मैं आपके साथ शेयर करके आपको इन्वॉल्व करके यूज़ करूँगी. सो ये डिफरेंस है. सो एम्पावरमेंट जब आप वर्ड यूज़ करते हैं, इधर यू डू इट टू पीपल और यू रिसीव इट फ्रॉम समबडी. या आप रेसिपिएंट हैं या आप गिवर हैं ऑफ दैट एम्पावरिंग प्रोसेस. ठीक, थोड़े कुछ और लोग लिटरेचर से मैंने निकाले हैं, पेज एंड ज़ुबा. वो कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल सेल्फ डिस्कवर्स हिज हर पोटेंशियल्स एंड लिमिटेशंस. एक प्रोसेस अगर कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है तो उसमें आपको खुद से पता चलता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स अब क्या हैं, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मैं कितना जा सकती हूँ आगे, किस हद तक कोई चीज़ एक्सरसाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और कौन से एरियाज में मुझे डेवलप करना है. ये रियलाइजेशन जो है, दिस इज़ द रियल एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट ये नहीं है कि मेरे पास डॉक्टरेट है, मेरे पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लम्स में काम कर रही हूँ, मैं एक डायरेक्टर्स की पोजीशन पे हूँ. दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट ये है कि आपको पता हो कि मैंने इस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज करना है, मेरी अपनी एरियाज ऑफ डिवेलपमेंट क्या है और मेरा लोगों के साथ रिलेशनशिप क्या है इस पोजीशन और इस स्टेटस को लेके. ठीक, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एम्पावर्ड पीपल इन एनी एरिया ऑफ लाइफ टेक चार्ज ऑफ देयर ओन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट. उनको ज़रूरत नहीं है कि कोई उनके लिए कुछ करे. And their intention is to continually improve themselves in their area of expertise. Now let's look at what does it mean to be an empowered teacher. अभी हमने देखा है कि empowered इंसान क्या कर सकता है. Empowered teachers, ये बड़ी ज़रूरी बात है. बोलन ने कही है कि when somebody or something or some institution invests टीचर्स, यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मतलब है कि टीचर्स को दे रहे हैं वो वाले राइट्स जिनकी वजह से वो स्कूल गोल्स एंड पॉलिसीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डिसीजन मेकिंग के टीचर्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रुप होता है स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, अगर टीचर्स को ये राइट मिल जाए कि वो उनके साथ पार्टिसिपेट करके स्कूल के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बच्चों को क्लास में क्या पढ़ाना है, करिकुलम में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना, इस सेमेस्टर की असेसमेंट्स में क्या डालना है क्या निकालना है, डिसिप्लिनरी पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना उनका से है कि जी नहीं इस साल हमने ये नहीं करना, हमने 14 अगस्त नहीं मनाना, हमने तो इकबाल डे मनाना है, इस टाइप की जो बातें होती हैं. तो लॉट्स ऑफ पीपल इन द लिटरेचर से कि टीचर्स अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, उनका अगर ये राइट्स दिए हुए हैं स्कूल ने, तो इसका मतलब है वो एम्पावर्ड है बिकॉज स्कूल के चलने में उनका से है. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एम्पावरिंग टीचर्स. बट टू बी एबल टू डू दैट, टीचर्स को दे नीड द राइट नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स. ये स्कूल की गवर्नमेंट कहती है, स्कूल की मैनेजमेंट तो हमेशा कहती है ना कि आप इस साल आपके रिव्यू में मुझे ये दिख रहा है कि आपने ये नहीं कर सके तो वो कर ले. दिस इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, ये सिर्फ कोई वो एक जगह की बात नहीं है. फिर उसके बाद लिटरेचर में ये भी कहते हैं कि एम्पावर्ड टीचर्स जो होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता है टू बी एबल टू मेक दैट डिसीजंस. व्हाई? बिकॉज दे हैव द राइट नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. ठीक. तो और फिर उनके हाथ में थोड़ा सा पावर ये भी है कि वो ये चीज़ें जो जो स्कूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं या स्टूडेंट्स की लाइफ को, स्टूडेंट्स की एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, इन चीज़ों में उनका से है. जस्ट लाइक आई सेड कि डिसीजन मेकिंग में उनका से है. सो लिटरेचर में ये ख्याल है. थोड़ी सी चीज़ें जो माइंड में रखनी है रिगार्डिंग टीचर एम्पावरमेंट, एक तो ये कि वाई डू वी डू टीचर एम्पावरमेंट, बिकॉज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंडा इन द टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट. मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि टीचर एम्पावरमेंट में द टीचर रियलाइजेस दैट ही और शी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर ओन पर्सनल ग्रोथ. मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेरे कंट्रोल में है, नोबडी इज़ गोइंग टू डिसाइड फॉर मी कि मैं ये करूँ. एक होता है ना, आई वेंट थ्रू दैट एज वेल व्हेन आई वर्कड इन द UAE. जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी, दे डिसाइडेड कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अ न्यू टीचर और एन एक्सपीरियंस टीचर, हमने आपको 5 दिन का एक प्रोग्राम करवाना है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स. और वो प्रोग्राम ये है कि बेसिक टेक्निक्स अबाउट हाउ टू गो इनटू द क्लासरूम, स्टैंड, सिट, टॉक टू पीपल, टीचिंग किस तरह करनी है. फॉर मी दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि मैं तो लाइसेंस्ड टीचर थी वहाँ पे, मेरे पास क्रेडेंशियल्स भी थे और मैं ऑलरेडी टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही थी. तो मैंने अपनी मैनेजमेंट से कहा कि आप क्यों ये ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि ये तो मैं खुद करवा रही हूँ लोगों को. एंड देन दे सेड कि हमने तो एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस लगाना है. ये टर्म कॉमन है ना यहाँ पे भी, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, कि जी हमारे स्कूल का प्रोफाइल है हमारे इंस्टीट्यूशन की, हमने उसको मेंटेन करना है, एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करना है. सो हम चाहते हैं कि सब करें. सो आई रियली कुडंट आर्ग्यू अगेंस्ट दैट, बिकॉज मैं भी चाहती थी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ा सा एक्रेडिटेशन की तरफ जाए. I went through it. That was not empowering for me. क्योंकि मेरा अपनी professional development में कोई say नहीं था. Now the other thing that Thomas and Wendhouse say is, for teacher empowerment to be possible, an empowering environment should be created. ये तो teachers की regular complaint है, मैं खुद complain करती हूँ. Support तो करते नहीं हैं, conferences पर जाके क्या करें, जो सीख के आते हैं वो try करने का time ही नहीं मिलता. ये सब तो मैं भी कहती हूँ, ठीक है. तो एनवायरनमेंट हमें अच्छी नहीं लगती और अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती. पर अभी भी आप देख रहे हैं जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया और जो अब दिखा रही हूँ, ये सब इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन करे प्रोवाइड, इंस्टीट्यूशन हमारे लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, इंस्टीट्यूशन हमारे ब्रेक्स 5 मिनट इंक्रीज़ कर दे कि हम लोगों से बात तो कर सके ना, या इंस्टीट्यूशन हमें स्टाफ रूम क्यों नहीं दे रहे कि हम अपने कोलीग्स के साथ डिस्कशन तो कर सकें, इस तरह की बातें. और लास्ट में आप देखें मैंने लिखा है हाउ डज टीचर एम्पावरमेंट हैपन, ये लिटरेचर के थ्रू मैंने लिखा हुआ है, इट्स नॉट माई ओन थिंग. एडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट बी एक्टिव इन प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस. अभी भी हम स्कूल की बात करें कि मैनेजमेंट कुछ करे ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे कि हम अलग तरीके से ज़रा डिवेलप कर सकें. ठीक. ये सब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दिस इज वॉट द रिसर्च सेज, दिस इज वॉट द लिटरेचर सेज. हर जगह किताबों में, मैनुअल्स में यही लिखा है कि स्कूल एनवायरनमेंट क्यों प्रोवाइड करे, स्कूल टीचर्स को एम्पावर करे. तो एंड दिस इज़ नॉट जस्ट साउथ एशियन लिटरेचर, दिस इज़ नॉट जस्ट मिडल ईस्टर्न लिटरेचर, ये अंग्रेज़ों वाले लिटरेचर में लिखा हुआ है जिसको हम रेफर करते हैं कि द स्कूल शुड बी द वन हेल्पिंग अस और द यूनिवर्सिटी और वट एवर.
Now, let's first think about why do teachers need to be empowered. आपने कहा कि teachers अपना काम बेहतर तरीके से कर देती हैं, उनकी capacity develop हो जाती है. There are a lot of other reasons, and you can say if there are any ones that you disagree with, आप ज़रूर बोलें. Maybe we can discuss, collaborate and come up with a new idea. एक तो ये कि उनकी competence, ये अब प्योरली प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हियर फॉर दिस 3-day प्रोग्राम, राइट? सो द अजम्पशन इज कि आपको थोड़ी सर्टेन एरियाज में टीचिंग इफेक्टिवली इस तरह की चीज़ों में ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज थोड़ी समझ ज़्यादा आ जाएगी, बिकॉज यू बिन इन दिस रूम शेयरिंग सम आइडियाज़ विद द एक्सपर्ट्स, एंड वो भी थोड़ा आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं. एंड देन you will be able to resolve everyday practice problems like classroom mein jaake bacche shor macha rahe hain kya karna hai, students are not listening to you kya karna hai, is tarah ke chote chote problems. Okay? Secondly, the understanding is ke jab aapko ye aisi environment milti hai jisme aapka apna say hai, aapke apne rights hain, it helps you develop skills in making decisions with your colleagues and the school. Ke aap, you don't decide ke test, grammar test ab weekly nahi hua karega. You first have a conversation with your colleagues about it, and then you see ke unke kya perspectives hain. You see the pros and the cons, and then phir aap thoda baith ke sochte hain, sabke perspectives lete hain, and then you move together as a team, collaborative decisions. ठीक, और आपकी कमिटमेंट भी बढ़ जाती है. व्हेन यू हैव द पावर, इफेक्टिव एजुकेटर्स फील दैट दे हैव अ कमिटमेंट टूवर्ड्स मूविंग अहेड विद पीपल. बट देयर इज नो गारंटी फॉर दिस, बिकॉज सम लीडर्स कैन बी ऑफुल, ये तो हमें पता है. कुछ लीडर्स कुर्सी पे बैठ के समझते हैं कि जी हम ही हमें, अब जो हम कहेंगे एवरीबडी हैज़ टू लिसन. और कुछ ऐसे होते हैं, ये डिफरेंट हर इंसान का इंडिविजुअल होता है, और कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक हम सबसे बातचीत नहीं करेंगे इट्स रियली नॉट फेयर कि हम कोई डिसीजन सबके ऊपर इम्पोज करें जो सबको अफेक्ट करेगा. सो ये इंडिविजुअल है. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू आर एबल टू एक्सरसाइज पावर ओवर योर ओन एजुकेशनल लाइफ, कि मेरी डेवलपमेंट किस तरह हो, मैंने आगे अपने करियर को प्रमोट करने के लिए क्या करना है. ऑन योर पर्सनल ग्रोथ एज अ प्रोफेशनल, कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इन माय प्रोफेशनल लाइफ. एम आई ओनली बॉर्न टू टीच स्टूडेंट्स, और कैन आई आफ्टर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स गो आउट एंड टीच टीचर्स एज वेल, बिकॉज अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग आ गई है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. और इसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र नहीं आ रही, विच आई रियली वॉन्ट टू से, दैट एम्पावर्ड टीचर्स नो हाउ टू बेस्ट डिवेलप स्टूडेंट्स. टीचर्स एम्पावर्ड होंगे, टीचर्स में ये सारे स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ होंगे, तो वही तो वो स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे ना. यू वॉट, जो नए टीचर्स आते हैं वो क्यों इतना नर्वस और घबराते हैं और डरते हैं, क्योंकि वो तो खुद स्टूडेंट्स होते हैं अभी. 3 years इज़ द मिनिमम ब्रेकिंग पॉइंट, जिसके बाद अ टीचर गेट्स अ लिटल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर वो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की तरफ आते हैं. बाय द 5th ईयर द टीचर्स नो कि हाँ जी अब तो हम कर सकते हैं. बाय द 10th ईयर दे स्टार्ट सेइंग दिस इज़ अ वेरी बोरिंग प्रोफेशन, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई हमारे लिए कुछ करता नहीं है, और वो किस्मत ख़राब वाली चीज़ आ जाती है. ठीक है, एंड देन आई थिंक दैट इज़ द टाइम वेन टीचर्स नीड टू डिसाइड कि अब हमें किस तरह मूव अहेड करना है. ये तो आप अग्री करते हैं कि जब टीचर्स एम्पावर होते हैं, दे व्हेन दे डेवलप दोज कॉम्पिटेंसेज नॉलेज एंड स्किल्स, उनका पेडागॉजिकल नो हाउ, लाइक हाउ टू टीच इन द क्लासरूम, वो भी डेवलप होता है. एंड वन ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ्स टुडे ओवर दिस वीकेंड इज एग्जैक्टली दैट. ठीक, और इट ऑल्सो इनेबल्स देम टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई whatever they do in the classroom or in their own development, it increases their competence in areas of specialization. Ab assuming ke aap is environment mein hain jahan pe aap time nikal sakte hain, resources nikal sakte hain for your own development, ki aap apne upar financially invest kar sakte hain, aapke raaste khulte jate hain. There are constraints, this is real life. Even if kismat
इज़ नॉट ख़राब, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। इंस्टीट्यूशंस के पास फंड्स नहीं होते टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए। अब इफ़ यू डोंट माइंड में आई आज के आज जो आप इस प्रोग्राम में हैं, इज़ दिस सेल्फ फंडेड और स्कूल फंडेड? बिग ईदर वे बिग साइन ऑफ एम्पावर्ड टीचर्स। सिर्फ ये कहना था कि ऑल मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई एम एबल टू डू वट आई एम एबल टू डू वट आई लाइक टू डू। उसकी वजह यह है बिकॉज आई हैवन्ट वेटेड फॉर द इंस्टीट्यूशन टू फंड मी। इंस्टीट्यूशंस बड़े हों छोटे हों सब यही कहते हैं, फंड्स नहीं है। द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक इज़ कि अगर इंस्टीट्यूशन नहीं करती, फाइंड वेज। हर चीज़ में पैसे नहीं लगते, दीज डेज देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ एज वेल, सो यू कैन अवेल ऑफ ऑनलाइन फ्री लर्निंग। आजकल बहुत से टीचर्स जो है फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि दे जस्ट वॉन्ट टू फाइंड अ वे टू शेयर नॉलेज, तो फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज पब्लिश करते हैं। मेरे अपने इतने दोस्त हैं जो फ्री ऑनलाइन टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं। एंड देन कंटेम्प्रेरी डिमांड सच एज टेक्नोलॉजी कंट्रोल लर्निंग एनवायरनमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएई में टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा फोकस है, इतना ज़्यादा फोकस है दैट टीचर्स नीड टू डिवेलप इन टेक्नोलॉजी। अब वो एक कंस्ट्रेंट बन गया, हर कोई इतना क्विक लर्नर तो होता नहीं है। अ लॉट ऑफ टीचर्स हेट टेक्नोलॉजी बिकॉज इट स्लोज डाउन देयर वर्क। रोज़ 2-3 घंटे लगते हैं उस काम में जो आप आधे घंटे में मैन्युअली कर सकते हैं। सो ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ऑफन टाइम्स आई लव टेक्नोलॉजी, लेकिन ऑफन टाइम्स इवन आई फील कि जितना टाइम मैंने इसको सेटअप करने में लगाना है उतने में तो मैं खुद ही कर लूँगी मैन्युअली। तो ये चीज़ें होती हैं, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। और फिर करिकुलम हमारे डिज़ाइन का तो नहीं होता, करिकुलम तो कोई और डिज़ाइन करके देता है मोस्ट स्कूल्स में, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर आप सर्टेन, जैसे लैंग्वेज टीचर्स बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो वो क्रिएटिवली किस तरह करें क्योंकि करिकुलम में फिट ही नहीं हो रही किसी तरीके से, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। दीज आर रियल लाइफ इशूज़। और फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर्स वर्क, के फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम श्योर बीकन हाउस में डिफरेंटली चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बीकन हाउस चेन ऑफ स्कूल्स अगर वो डिसाइड करते हैं कि हर टीचर ने क्लासरूम में ये 2 टेक्निक्स यूज़ करने हैं एंड नथिंग एल्स, और 45 मिनट्स के लेसन में फर्स्ट टर्म में सिर्फ इतना कॉन्टेंट पढ़ाना है, ये स्टैंडर्डाइज ज़बरदस्ती हमारा काम स्टैंडर्डाइज। सपोजिंग आई एम अ क्रिएटिव टीचर और मेरे बच्चे जो हैं 45 मिनट्स में मोर देन वॉट आई एम रिक्वायर्ड टू टीच कवर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ माई टीचिंग टेक्निक्स, आई कॉन्ट डू दोज, क्योंकि स्कूल ने स्टैंडर्डाइज एक डिक्लेयर किया हुआ है कि आपने बिल्कुल इस साल इस सेमेस्टर इस टर्म ये करना है। ये भी एक इनहिबिशन है, ये हमारा पावर लेती है थोड़ा सा। ठीक, फिर अ लॉट ऑफ स्कूल्स दैट आई हैव स्पोकन टू इन लाहौर से कि पूरा साल एनरोलमेंट चलती रहती है, इज़ दैट ट्रू इन योर स्कूल? कि आपने तो 6 यूनिट्स कवर कर ली हैं लेकिन एक बच्चा तो अभी आया है आपकी क्लास में, सो ये टीचर्स को थोड़ा स्लो डाउन कर देती हैं चीज़ें। टीचर्स के हाथ से पावर निकल गया है कि वो नहीं कर सकते, अब हम एक्स्ट्रा टाइम लगाएं उस बच्चे के साथ, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक, ये सो आई थिंक क्योंकि आपने इतना बड़ा यस कहा, सो दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम जो हर जगह हो रहा है। मैंने तो सिर्फ कुछ लोगों से बात की थी, थोड़ा सा नीड्स एनालिसिस करी थी। फिर टाइम कम हो जाता है, करिकुलम पूरा नहीं होता क्लासरूम में, वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है, उस बच्चे को भी कैचअप करवाना है। कॉपी चेकिंग का भी एक सिस्टम मैंने सुना है यहाँ पे सारा है, तो और फिर डबल कॉपी चेकिंग भी है जो हेड्स देखते हैं, सो ट्रिपल भी है। ओके, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, मतलब कि आपने एक स्किल्ड टीचर को रिक्रूट किया है तो फिर आप उससे डबल कॉपी चेकिंग भी उसके काम को करवा रहे हैं, ट्रिपल भी करवा रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल सैड बिकॉज काम थोड़ा स्लो हो जाता है और टीचर्स ज़रा फंस जाते हैं। फिर आइसोलेटेड वर्किंग एनवायरमेंट्स के अब अगेन आई डोंट नो कि आपके इंडिविजुअल स्कूल्स में क्या है, लेकिन देर आर वर्किंग एनवायरमेंट्स जिसमें जैसे मैंने आपको कहा है 9 से 7 बजे तक मैं काम करती रहती हूँ, आई डोंट गेट टाइम टू चैट विद द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट डोर कि अच्छा आज की सुबह की खबर क्या थी एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस न्यू प्रोजेक्ट। ये बातें मामूली बातें करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपना ही ख़त्म कर लूँ, उनसे बाद में बात करूँगी और उनसे बात करने का टाइम ही नहीं निकलता। एंड ऑफन टाइम्स टीचर्स आर डूइंग द सेम थिंग, क्लास ख़त्म हुई कॉपी चेकिंग करनी है, कॉपी चेकिंग करके थोड़ा काम घर लेके जाना है, घर ले जाके अगले क्लास की तैयारी भी करनी है। व्हेन डू यू टॉक टू द अदर टीचर्स? फिर अगर किसी टीचर को जैसे डिसीजन मेकिंग की हेड टीचर बना देते हैं, सीनियर मिस्ट्रेस बना देते हैं,
आप जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है 10-12 लोगों से आपको कंसल्ट करना ज़रूरी होता है कि उनका भी इनपुट ले लें, अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड डिसीजन मेकर अकॉर्डिंग टू द स्कूल. ये इससे काम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ये भी एक कंस्ट्रेंट है. ठीक. और फिर अगर आप किसी सीनियर पोजीशन में पहुंच गए हैं तो कोलीग्स आपके थोड़े से ज़रा हो जाते हैं, ये तो हमसे अलग है, हम तो इससे बात नहीं करेंगे, और जब बात करेंगे तो कमेंट्स के साथ बात करेंगे. सो वो इंटरनल एक एनवायरनमेंट है. अगेन दिस इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, राइट. बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि व्हेन टीचर्स फील डिसएम्पावर्ड इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर प्रोफेशन. और फिर जब नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन पे आ रहा है, आपके स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं. एंड यू कॉन्ट बी अ टीचर विदाउट योर स्टूडेंट्स, राइट. आपके स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा कुछ सफ़र करा, आपका सेल्फ इस्टीम, आपका वो जो है करेज, द एबिलिटी के जो जो नॉलेज आपके माइंड में होती है कि हम तो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, एवरीथिंग सफ़र्स. ठीक. सो व्हाट आई नाउ वांट टू आस्क यू इज़ हाउ कैन टीचर्स बी एम्पावर्ड. मैं ये आपसे अब शेयर करती हूँ, विच आई हैड प्लान ओरिजिनली टू शो यू. दो एसोसिएशन हैं जिनसे नादिया बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी मेट. एक है विस्टा ब्रेन्स लाहौर में, और एक है ARJ ट्रस्ट वज़ीराबाद में. अब वज़ीराबाद में क्यों है ये? एक क्योंकि वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एरिया है, तो मेरे पेरेंट्स का वहाँ से बड़ा क्लोज लिंक है. सो मैंने फिर जो कम्युनिटी वर्क शुरू किया वो वहीं पे किया, बिकॉज मेरी फैमिली को सब लोग जानते थे वहाँ पे. सो माय फादर वाज डूइंग कम्युनिटी वर्क, वैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, किसी को मतलब शादी में हेल्प कर दिया, किसी को राशन दिलवा दिया, वो उनका ज़ाती एक पर्सनल उनका है, तो वो अपनी कम्युनिटी में वज़ीराबाद में करते थे. तो मैंने उनकी जगह पे, उन्होंने कहा कि एक टीचर्स के बारे में क्या ख्याल है, उसी टाइम पे मेरे दोस्त भी बातें कर रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा कि वज़ीराबाद में टीचर्स की हेल्प करती हूँ आके. तो एक सेशन किया तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ, एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड. वज़ीराबाद में तो कभी किसी ने टीचर्स को पूछा ही नहीं. एंड आई सेड ओके दिस इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो मेरा वहाँ पर वीकेंड होता है, और मैं थर्सडे को क्लास से निकलती थी और फ्राइडे मेरी छुट्टी थी वहाँ पे. थर्सडे को फ्लाइट पे बैठ के यहाँ आती थी, फ्राइडे को और सैटरडे को ट्रेनिंग करके सैटरडे रात की फ्लाइट लेके संडे सुबह सीधे ऑफिस जाती थी. तो वो ज़रा थैंक यू सो मच. मुश्किल था क्योंकि मैं भी आपकी तरह टीचर थी, लेकिन जब हर दफ़ा मेरे आने पे 150-200 टीचर्स एक कमरे में आके बैठ जाते थे कि हमें उनकी बैठने की एक्स्ट्रा जगह बनानी पड़ती थी, वो मेरे दादा के घर में आते थे. सो वी थॉट के ये रोकना नहीं चाहिए. क्लियरली इनको लग रहा है कि कोई एम्पावरमेंट किसी तरीके से हो रही है, सो वी कंटिन्यूड दैट. अब बिकॉज दैट वॉज हैपनिंग माई वेस्टर्न फ्रेंड्स गॉट इंटरेस्टेड, वो मेरे साथ आने शुरू हो गए, और वो सब अपने एक्सपेंसेस पे आते थे. आई हैव टू से दिस, क्योंकि दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग पाकिस्तान डेवलप बिकॉज दे वर माई फ्रेंड्स. तो वो अब उस चीज़ को माशाल्लाह 8 साल हो चुके हैं. नेक्स्ट वीकेंड मेरी एक दोस्त आ रही हैं, हम फिर से वज़ीराबाद जा रहे हैं 9th को, और दो दोस्त आ रहे हैं मेरी, तो हम वहाँ पे जाके टीचर्स को फन एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम सिखाएंगे थोड़ा सा. तो वो उसमें टाइम लगा है, हमने रूरल स्कूल्स में विजिट्स किए हैं जहाँ पे चल के जाना भी बड़ा मुश्किल था. तो थोड़ा सा जब मैं घूमी तो मुझे वो याद आ गया कि हम कहाँ पहुँच गए. तो हम जाके उनसे मिले हैं, उनकी नीड्स को पता किया है, टीचर्स के साथ बातें की हैं, टीचर्स को ट्रेन की है. अब 8 साल के बाद देर आर टीचर्स इन द ऑडियंस जो खुद हमारे साथ तैयार हैं कि ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए. ये बड़ी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट हुई है. आई फील मोर एम्पावर्ड बिकॉज नाउ आई कैन सी द प्रोडक्ट्स. जैसे स्टूडेंट नहीं हमारे हो जाते तो हम बड़े खुश होते हैं, तो वो जैसे आपके स्टूडेंट की आप बात बता रही हैं, तो वो फीलिंग है अभी. तो वो टीचर्स चार्ज ले रहे हैं. उसके बाद अब हम फुल स्कूल्स को देख रहे हैं, इंडिविजुअल स्कूल्स जो हैं उनके लिए टीचर एम्पावरमेंट का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि अब स्कूल्स पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए ये प्रोग्राम कर सकते हैं, आप हमारे लिए ये प्रोग्राम कर सकते हैं. तो जो हम कर सकते हैं हम उनको कहते हैं जी हम कर सकते हैं. तो ये हो रहा है.
उसके बाद अब हमने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है इंटर्नशिप्स और वॉलंटरी वर्क, उनको इंटर्नशिप्स क्रिएट करके दे रहे हैं। वो हमसे सिर्फ एक सर्टिफिकेट ले जाते हैं कि हमने ARGA ट्रस्ट या विस्टा ब्रेन्स के साथ इंटर्नशिप की, तो हम उनको लिख के दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, बच्चे डिवेलप हो रहे हैं। हमारा काम यही है कि एम्पावर करना है सबको, ठीक। और हम कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस सेटअप करें, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दैट्स हाउ नादिया नाइ मेट, क्योंकि Because I got to know about her work, she got to know about my work. ये भी वजीराबाद तक आई, मुझसे पहले आप मेरे अब्बू से मिली, हाँ। तो फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो मेरी पहली मीटिंग इनसे हुई, एंड वी वर सो एक्साइटेड कि अच्छा आप भी यही काम करें, हम भी यही काम कर रहे हैं, हाँ। तो इस तरह कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस बनती हैं। अब होपफुली अब आप लोग सारे स्ट्रेंजर्स थे जब आए थे, अब आप लोग निकलेंगे, आप लोग कुछ लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, कम्युनिटीज बन जाती हैं प्रैक्टिस की। एंड ऑफ कोर्स मैंने ये डालना बहुत ज़रूरी समझा कि एक तरीका जो एम्पावरमेंट का ये है, यू आर हियर बिकॉज यू आर एम्पावरिंग योर सेल्फ, ये दिस इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल एज वेल, ठीक है। तो मुझे ये आपसे शेयर करना था, एंड वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस कुड बी कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल कीप इन टच विद नादिया, यू विल कीप इन टच विद मी, और ये भी एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बन जाएगी। सो दीज आर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।